किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बंधु है वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। देखिए प्यारे किसान साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना ना कि मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि देखिए आज जो है 2,000 रुपए की अगली किस्त यानी कि 18वीं किस्त का पैसा जो है किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहाँ जो रायते बंधुगढ़ बैठे हुए हमारे जितने भी सगे संबंधी या फिर दूर दराज से किसान भाई आए हुए हैं, क्योंकि सभी राज्यों के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, तो देखिए सभी किसानों के मोबाइल में जितने भी किसान यहाँ बैठे हैं या फिर घर पर बैठे हैं तो वो देखेंगे कि 2,000 रुपए की जो 18वीं किस्त का पैसा, नई किस्त का पैसा जो जारी कर रहे हैं आज यहां से फिर से एक बार किस्त ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो अपने मोबाइल में मैसेज देखेंगे कि 2,000 रुपए की धनराशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। और ये देखिए, मैंने ही कह रहा, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है और किसान को भी होता है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, 2,000 रुपए सीधा सीधा मेरे प्यारे किसान के खाते में ये पैसा आ रहा है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो है इस समय हर महीने दिया जा रहा है। तो देखिए पैसा गया, लाइव संवाद भी सुने आपने और ये पैसा जा रहा है। लोगों को भी अजूबा होता है और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देख लो लाइव प्रूफ देखो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की चमक गई है किस्मत। जी हाँ, देखिए प्यारे किसान साथियों, 2024 में अब किसानों की चमक गई है किस्मत, क्योंकि उन्हें बीज और खाद के लिए मिल रहे हैं पूरे के पूरे 11,000 रुपए। जी हाँ, ये 11,000 रुपए कैसे मिल रहे हैं प्यारे किसान साथियों, पूरी जानकारी मैं आपको A to Z देने वाला हूँ, बशर्ते आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए पीएम किसान योजना के तहत खाद योजना और बीज योजना के लिए किसानों को अब मिलेंगे 11,000 रुपए। जानिए आवेदन का तरीका और पूरी प्रक्रिया की पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि किसानों की किस्मत जो है चमकने वाली है। मैं आपको बता दूं प्यारे किसान साथियों, किसानों की सहायता और उन्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ये योजना शुरू कर रही है। इस बार देखिए मैं आपको बता दूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसानों को 17वीं किस्त का पैसा दिए, उसके बाद अब नई योजना लेकर आए हैं जिसमें 11,000 रुपए मिलेंगे। देखिए ये क्या है योजना, इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको बता दूं, किसानों को अक्सर उर्वरकों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल की पैदावार और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए, किसानों को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम खाद बीज योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत देखिए ये शुरुआत 2024 में हुई है यानी कि आज के दिन से। और देखिए अब सालाना जो है 11,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, ये 11,000 रुपए कैसे मिलेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए यह सब्सिडी 2 किस्तों में वितरित की जाएगी। खाद जो है कैसे मिलेगी और पैसा इसका कैसे मिलेगा, देखिए खरीफ फसल सीजन से पहले 6,000 रुपए आपको मिलेगा और रबी फसल सीजन में आपको 5,000 रुपए मिलेगा। यानी समझिए मैं कह क्या रहा हूँ, आप लोग ये समझिए प्यारे किसान साथियों, समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप लोग लाभ का यानी कि फ़ायदा ले पाओगे। देखिए आपको खरीफ फसल के लिए, ध्यान से समझो, नोट कर लूँ मेरी बात, खरीफ फसल के लिए आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि जो खरीफ की फसल है इसमें। और देखिए जो रबी की फसल, अभी जो खरीफ की फसल बोई जा रही है वो 6,000 रुपए मिलेंगे, और जब रबी की फसल बोओगे तो रबी की फसल के लिए आपको मैं बता दूं कि 5,000 रुपए दिए जाएंगे। प्यारे किसान साथियों, 6-5 मिलाकर 11,000 रुपए आपको 2 किस्तों में मिलेगा, यानी कि साल में आपको 11,000 रुपए दिया जाएगा। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, तो बहुत सारे किसान भाई कहेंगे क्या उसे बंद कर दिया जाएगा, ना 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 भैया, वो तो लाभ आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो लाभ है खाद और बीज योजना, ये नई योजना है जो पीएम मोदी ने शुरू की है और ये पैसा जो है किसानों के अब खाते में जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा वितरण शुरू हो रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है, 18वीं किस्त का पैसा जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे देश में कृषि सखी के रूप में कृषि से जुड़े अन्य कार्यों को करने के लिए
30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, उनमें से 5 कृषि सखियों को भाई महिलाओं को भी अब दिया जा रहा है, यानी कि 30,000 महिलाओं को इस बार एक साथ लाइव पैसा दिया गया। बाकी जो भाई आप दूर दूर से बैठी हुई महिलाएं उनको भी दिया जा रहा। तो आज 18वीं किस्त का जो वितरण हुआ उसमें महिला किसानों को भी मुख्य रूप से यानी कि प्रायोरिटी दी गई भाई, और उन्हें प्रथम दायरे पर रखा गया। देखिए सभी किसान भाई किस प्रकार से खुश हैं यार, हाथ तालियां बजा रहे हैं, और देखिए ये महिलाओं को मोदी जी खुद गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, क्योंकि महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है कृषि क्षेत्र में। तो देखिए आज मोदी जी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि महिलाओं ने भी कृषि में अपना रुचि दिखाना शुरू कर दी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि पा पाकर। तो प्यारे किसान साथियों, मोदी जी ने ये देखिए महिलाओं को भाई भेंट किए हैं और ये पुरुष भाई खुश हो चुके हैं क्योंकि 18वीं किस्त का पैसा आज सभी किसानों के बैंक खाते में गया है। तो प्यारे किसान साथियों, आप लोग भी देखिए किस प्रकार से इन किसानों की खुशी है। लेकिन इन लोगों को पैसा मिल चुका है, आपको पैसा मिला या नहीं मिला ये हमें बता सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आज जो पैसा गया है 18वीं किस्त का, सिर्फ और सिर्फ उन किसानों के खाते में गया है जो किसान भाई अपना ई KYC भूमि का सत्यापन आधार स्टेंग ये सब कुछ अपना करा चुके थे, तो उन्हें किसानों के खाते में यह पैसा गया है। देखिए जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, अगस्त को 9वीं किस्त जारी होने वाली है। जी हाँ, देखिए कल ही पीएम मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का पैसा जारी करेंगे। उन्होंने देखिए अनाउंसमेंट कर दिया कि कल ही देखिए अगस्त महीने में ही आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभ दिया जाएगा। और देखिए कल पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी होगी, और मैं आपको बता दूं कि देखिए कल 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पैसा जारी होगा। और आप लोगों को लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूं कि देखिए 10.25 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 19,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि दी जाएगी। अगर आप लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। अब लाइव संवाद खुद सुन सकते हैं, देखिए लाइव संवाद बताया जा रहा है। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, अगस्त को 9वीं किस्त जारी होने वाली है। फाइनली प्यारे किसान साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक नई योजना शुरू कर दी गई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अब सभी किसान साथियों को मिलेंगे 28,000 रुपये। जी हाँ, आपको बता दूं आप लोगों के बैंक खाते में 28,000 रुपये आएंगे। और सबसे खुशी की बात तो इस समय जो 18वीं किस्त का पैसा आपको दिया जाएगा उसमें 4,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। चलिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि नई योजना के तहत 28,000 रुपये कैसे मिलेंगे और 4,000 रुपये की 18वीं किस्त कब तक मिल जाएगी। भाई देखिए इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। देखिए सभी किसानों को तुरंत कुछ काम करने होंगे उसके बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए लिस्ट हो गई है जारी, बहुत सारे राज्यों की 28,000 रुपये मिलना भी शुरू हो गए हैं, यानी कि किन राज्यों में मिलेंगे 28,000 रुपये उनके भी बारे में आपको हम बताएंगे। आखिर किन किसानों को मिलेंगे 28,000 रुपये ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए मोदी सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई गई है नई योजना के साथ। पीएम किसान योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के लिए सबसे सफल योजना चला रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार इससे पहले किसानों को 2,000 रुपये करके साल में 3 किस्तें देती थी, यानी कि पूरे के पूरे 6,000 रुपये दे रही थी। लेकिन अब बड़ा खुलासा हो गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई, पोर्टल पर भी आप लोग देख सकते हैं अपडेट कर दिया गया। मैं पोर्टल पर दिखा दूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भाई देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 28,000 रुपये मिलेंगे नई योजना के साथ। यहां देख लीजिए पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया गया, और सम्मान राशि पाने वाले किसानों की जो संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, जो कि भाई आज धनराशि ट्रांसफर हुई 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर हुई, वो भी 28,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे किसान साथियों, मैं आपको बता देता हूं जिसके बाद से मोदी सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया नई योजना के साथ, ऐलान कर दिया जिसके अंतर्गत किसानों को मिलेंगे एक साथ 28,000 रुपये खेती करने के लिए किसानों के बैंक खाते में मोदी सरकार जारी करेगी। इसका जो लिस्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर आ चुका है, और मैं आपको बता दूं आज अभी आप लोगों को जाकर चेक कर लेना है। जिन किसानों का लिस्ट में नाम नहीं है वह किसान DBT के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना नाम चढ़वा सकते हैं। घबराने की बात नहीं कि हमारा नाम नहीं है, तो
हमें नहीं मिलेगा। देखिए ये शुरुआत 2000 रुपए से कर रहे हैं मोदी जी, आज 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज खाते में भाई पैसे चेक करने के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं मोदी जी। पहले 2000 रुपए डालेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी पैसा को डाला जाएगा, ठीक है। तो ये पैसा तो आता रहेगा, लेकिन उससे पहले जरूरी काम जो करवाने हैं वो जान लेना है कि हमें क्या जरूरी काम करवाने हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार देने जा रही भाई खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार एक नई योजना जोड़ दी है पीएम किसान योजना में, जिसके तहत अब 28,000 रुपए आप लोगों को मिलेंगे, और सिर्फ उन्हीं किसानों को यह पैसा मिलेंगे जिन किसानों ने भाई इस योजना के तहत अपना नाम चढ़वा रखा है लिस्ट में, यानी कि जिन लोगों का नाम है लिस्ट में उन्हीं किसानों को मिलेगा। अब देखिए नाम जो है लिस्ट में चेक करने के लिए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। pmkisan.gov.in पर आप लोग जो ही जाओगे तो वहाँ पोर्टल मिल जाएगा, वहीं से आप लोग देख लेना, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को अपना पीएम किसान योजना के तहत KYC भूमि का सत्यापन आधार सेटिंग का काम पर पूरा करवाना है, तभी जाकर ये पैसा मिलेगा। KYC भी पूर्ण रूप से आपको करवाना है, और साथ ही साथ 8,000 यानी कि 4,000 रुपए की अठारहवीं किस्त का पैसा भी मिलेगा।